उत्तराखंड स्थापना दिवस पर समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के सभी संगठनों ने रतगांव के वीरेंद्र राम के नामजद हत्यारे की गिरफ्तारी और पिंकी हत्यारे की फांसी की सजा दिलवाने के लिए जिला मुख्यालय गोपेश्वर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर गोपेश्वर में आयोजित एक दिवसीय धरने में सभी संगठनों ने उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के साथ हो रहे अन्याय शोषण हत्या के खिलाफ एकजुट होकर अपना विरोध जताया। वहीं इस दौरान मृतक वीरेंद्र के पिता ने कहा कि 3 माह पूर्व अगस्त के महीने में उनकी बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी प्राथमिकी थाना थराली में दर्ज करवाई है। वहीं 3 महीने का समय हो गया है, नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वह आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। वहीं सामाजिक संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही उक्त मामले में नियम अनुसार कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश भर में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान पीपीआईडी चमोली, मूल निवासी संघ, समृद्ध भारत पार्टी, पर्वतीय शिल्पकार महासभा आदि संगठन के सदस्य मौजूद रहे। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। 11 अगस्त को जो मेरे लड़के की हत्या हुई और मुझे 11 ही बजे खबर मिली है कि तेरे लड़के के पैर में चोट लगी हुई है और वो पैर में चोट लगने के बावजूद जब मैं वहाँ पर गया तो सारे वहाँ के द्वाजन के सारे लोग वहाँ पर खड़े थे और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे लड़के के पैर में चोट लगी है कैसा है। जब मैंने नाले में गिरा हुआ देखा उसको तो मेरा वैसे भी हाल फील हो गया। और आज 3 माह होने वाले हैं, 11 अगस्त के बाद से 3 माह होने वाले हैं, अभी तक मेरे लड़के की ना तो कोई जांच पड़ताल किया जा रही है। वीरेंद्र राम का हत्यारा अभी तक जो है बेखौफ घूम रहा है और आज उसी के प्रशासन जिस प्रकार से 3 महीने का समय व्यतीत होने जा रहा है, लेकिन वीरेंद्र राम का हत्यारा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। अगर इसके बावजूद भी अगर अभी तक भी नहीं पकड़ा जाता है तो हम जो है इसके बाद जो है प्रदेश स्तर पर, आज भी हमारा प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है और फिर जो है हम देहरादून के स्तर पर जो है इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं वो उत्तराखंड के अंदर जो है उनके सामाजिक अधिकारों को जो निरंतर छीना जा रहा है, उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जाति के दंश की को बरकरार रख करके जो अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और उनके साथ में जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, हमारे बच्चों को अच्छी एडमिशन के लिए पीछे कर दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों के साथ में आज पीपीआईडी ने एक सामाजिक मुद्दा रखा है।